चोक हो गया। ये किस तरह का ये प्रोडक्ट है, क्या है इसकी विशेषता? देखिए, जापान से ये एक प्रोडक्ट आया है, वायरस सेट आउट। आजकल लोग इसे कोरोना की बचने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, और गले में लटकाने के बाद ये 30 दिन तक कोई भी वायरस पकड़ता नहीं हो, चाहे उसमें कोरोना हो क्यों ना हो। कितनी डिमांड है इसकी? अब देखिए, एक समय था ये बहुत महंगा था, नहीं डिमांड थी, लेकिन आज की डेट में इसका रेट कम हो गया है, इसलिए बहुत डिमांड बढ़ गई है। कितने से कितने रुपये की आ रही है ये? पहले ये 200 रुपये का रहा था, आज मैं इसको 50 रुपये में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो क्या इसको कौन बता रहा है कि इससे वायरस खत्म हो जाए, कोई प्रमाण है जी? प्रमाण तो देखिए, किसी दुकानदार पास किसी प्रोडक्ट का नहीं होता, जो प्रोडक्ट पीछे से आता है उसका प्रमाण सरकार देती है। ये पीछे से इतनी संख्या में आ रहा है कि उसका प्रमाण सरकार देगी, मैं नहीं देगा। डिमांड कितना लोग मांग रहे हैं? भाई, जनता ने इसको देखा है, परखा है, और उसके बाद एक दूसरे के गले में देखा है, तो इसलिए लोग ले रहे हैं। प्रमाण के साथ इसको कोई बता नहीं पाया, लेकिन ले रहे हैं लोग। विकास मेहरोत्रा। विकास जी, आपने क्या लिया? मैंने ये वायरस बचाने के लिए लिया है, जो कि जैसा इन्होंने बताया शॉप पे, और ये भी मैंने लिया है कि इससे बचाव हो। और फिर हर चीज़ हम लोग कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, और घर जा रहे हैं, नहा धो रहे हैं, तो जितनी चीज़ें हम लोग को पता लग रही हैं इससे सेफ हैं, तो हम लोग उसको परचेस कर रहे हैं, हम लोगों ने ये परचेस किया है। गले में पहनने वाला सैनिटाइज़र है, ये बताया गया है कि काफ़ी प्रभावी है कोरोना के वायरस का संक्रमण आसपास फैलने से रोकने के। ये व्यक्ति के आसपास एक क्यूबिक मीटर तक ऐसा दायरे का निर्माण करता है जिसमें वायरस एंट्री नहीं कर पाता। ये क्लेम है उन कंपनियों का जो इसको बनाती हैं। हालांकि इसको अभी तक कितनी सच्चाई है इसमें, इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। परंतु जो कंपनी अब इसको बेच रही हैं, वो उत्पाद अब तेज़ी से मार्केट में बढ़ रहे हैं। पहले इन चीज़ों की मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब ये मार्केट में भी उपलब्ध हो रहे हैं और तेज़ी से बिक भी रहे हैं। इसी के बारे में मैं सबको बताना चाहूँगा कि इसको केवल MRP प्राइस पे ख़रीदें। किसी भी तरह दवा व्यवसायी इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना करें, इसको MRP से ज़्यादा पे ना बेचें, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग क्लेम हैं, अलग अलग दावे हैं, उनके केमिकल भी हो सकता है इसमें अलग हों, लेकिन जो बेस प्राइस कंपनी ने रखा है उससे ज़्यादा बिल्कुल ना बेचें। ये हमारा दायित्व है कि कोरोना काल में किसी भी हमारे नागरिक का शोषण ना हो सके। जो चीज़ें कंपनियां उपलब्ध कराती हैं वो लगभग थोड़े से मार्जिन के बाद ही हमारे ग्राहकों को उपलब्ध हो। इस कोरोना काल में, संकट की घड़ी में, जब सब लोगों को इन चीज़ों की आवश्यकता है, उस समय कोई भी ऐसा मैसेज ना दें कि स्वार्थ की वजह से इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही हो। इसलिए मेरी अपील है सभी दुकानदारों से कि इसको MRP पे बेचें, इससे ज़्यादा कतई ना बेचें, और इसमें भी छूट देने का प्रयास करें ताकि जो भी लोगों को इसकी आवश्यकता हो वो जल्दी से जल्दी पहुँचे। मास्क में भी जैसे बहुत ज़्यादा मूल्य पर बिक्री की जाती थी, अब उसका प्राइस रेगुलेट हो चुका है। सैनिटाइज़र का प्राइस रेगुलेट हो चुका है, इसी तरह इस पहनने वाले सैनिटाइज़र का भी प्राइस रेगुलेट करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएं और किसी भी प्रकार से ग्राहक का शोषण ना हो पाए। सर, इसका फ़ायदा क्या है, इसको पहनने से इसका फ़ायदा क्या था? अभी तक कोई जाँच में आपके द्वारा कोई पता नहीं? इसकी जाँच करनी बड़ी मुश्किल है। इसकी जाँच तो जो दवा कंपनियाँ हैं या जो लेबोरेटरी हैं वहीं पर संभव है, लेकिन कुछ कंपनियों का क्लेम है कि ये जो है इसमें वेपोराइज़र होता है, और वेपोराइज़र के माध्यम से